Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another game free video. तो guys, आज हम लोग एक new game खेलने जा रहे हैं और इस game का नाम है Riddle School. खैर, काफी ज्यादा अजीब सा पुराने टाइम का गेम लगेगा आपको ये, बट इस टाइप के गेम्स बहुत मजेदार होते हैं, प्लस आपको भी इसमें बहुत मजा आता है. फॉर एग्जाम्पल हेनरी स्टिकमैन, जैसे उसमें कभी हमें डायमंड चुराना है, जेल से भागना है, कुछ इसी टाइप की हरकतें इसमें भी होने वाली है. लेट्स गो. वेलकम गाइस टू द रिडल स्कूल. जल्दी से मेन मेन्यू पे टैप करके गेम स्टार्ट करते हैं. दिस बटन ऑब्वियसली प्रोसीड टू द मेन मेन्यू. अभी से ही काफी बकवास शुरू हो गई है. लेट्स गो. काफी ज्यादा शानदार म्यूजिक बनाया भाई इस गेम का. खैर ठीक है, यहाँ पर ओ ये देखो कैसे इसके एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं जैसे मैं जा रहा हूँ स्टार्ट गेम पे, तो एंजॉय कर रहा है. अभी जल्दी से गेम स्टार्ट करते हैं, बहुत मजा आने वाला है इसमें. पे भाई साहब, किसने कलाकारी दिखाई है भाई इस गेम के म्यूजिक पे. दिल से शुक्रिया भाई, कुछ ज्यादा ही शानदार म्यूजिक बनाया गया भाई. पूरा चीर रहा है, पूरा कान चीर के निकल रहे हैं पूरे म्यूजिक. फिलहाल ठीक है, अभी मैं बैठा हूँ एक क्लासरूम में और एक टीचर मुझे पढ़ाने में लगा हुआ है. मैथ्स तो मैंने सुना था, मैथमेटिक्स भी सुना था, बट ये मैथनेस क्या होता है? 3 + 0 = 2. फ्यूचर बर्बाद है हमारा, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई. बहुत ही बढ़िया टीचर मिला है हमें. फिलहाल अभी हमें शायद से नींद आ रही है, ग्रूम कर रहे हो क्योंकि ये आई हैव बीन सिटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स स्ट्रेट लिसनिंग टू एडिशन फैक्ट्स. हाँ दिख रहा है मुझे. ऑल बिकॉज आई टीच समबडी, आई एम इन अ स्पेशल क्लास. हमने कुछ तो झोल करा है जो हमें इस स्पेशल क्लास में बिठाया गया है. अगल बगल कोई बच्चा नहीं है, एक अकेला स्टूडेंट, एक अकेला टीचर, वो भी खतरनाक. आई डोंट इवन हैव अ स्मार्ट टीचर, वो दिख रहा है मुझे. राइट नाउ आई एम एज फ्री एज अ बर्ड इन अ बर्ड केज. हम लोग अभी आजाद है जैसे एक चिड़िया आजाद होती है अपने पिंजरे में. काफी फालतू की बात है यार इसमें. ऑलराइट, दैट्स इट, आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस स्कूल. ठीक है, तो मुझे भी कुछ भी करके इस स्कूल से बाहर निकलना है. व्हाट इज, ओ भाई टीचर मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज 131 + 42 अगेन. वो होता है 173, बट ये गंजू भूल गया. ये हमारा करेक्टर कितना गंदा है यार इस गेम में, शक्ल ही इसकी बेकार से लग रही है मुझे, बट ठीक है. और हमें दोबारा से नींद आ रही है, ग्रूम करके सो गए हम लोग. वाह भाई, सच्ची में कुछ भी हो रहा है भाई इस गेम में. और अब जाके अपना गेम स्टार्ट हुआ है, वो बस इंट्रो था. लेट्स गो. अभी हम लोग खड़े हो चुके हैं, हमें स्कूल से बाहर निकलना है. सामने 2 विंडोज है, शायद मैं विंडो के थ्रू बाहर नहीं निकल सकता. ड्यूरिंग स्कूल इवन द विंडोज लुक्स ड्रेरी. ड्रेरी क्या होता है भाई मुझे नहीं मालूम, बट हाँ हम लोग विंडोज से बाहर नहीं जा सकते. यहाँ पे एक सॉकेट है, सॉकेट से टीचर को करंट. नो आउटलेट हेयर. ठीक है, एक ये हॉल है यहाँ से बाहर. You can tell this school's low budget just by looking at that. low budget school, wow, bhai. Okay, तो मुझे यहाँ पर south direction में रास्ता है. The teacher may not be smart, but he knows when I open that door, खुटाई हो जाएगी हमारी थोड़ी सी. तो फिर क्या करा जाए? यहाँ पर एक sharpener पड़ा हुआ है. क्या मैं इसका use कर सकता हूँ? That's it. Hey teacher, could I sharp my pencil? Okay, हमने उससे पूछा है. Teacher कह रहे हैं only 1% at a time. तेरी भैंस की टंग क्लास में एक ही तो बच्चा है, उसमें मैं जा रहा हूँ. ओ यही करना था हमें. और अभी हम लोग क्लासरूम से बाहर आ चुके हैं इस लॉबी में, बट अपना टास्क है स्कूल से बाहर निकलना. तो अभी हम लोग सक्सेसफुल नहीं हुए हैं. स्कूल से बाहर निकलने के लिए मेरे पास 3 डायरेक्शन है, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट. वेस्ट में जाऊंगा तो क्या होगा? द स्कूल डोर्स आर शट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. स्कूल के टाइम पे सारे दरवाजे बंद होते हैं. क्या अभी मुझे नॉर्थ साइड में जाना चाहिए? चल के देखते हैं. नो वे. ओ वेट भाई, वहां क्यों जा रहा हूँ? उसी क्लासरूम से तो मैं बाहर आया हूँ. ये देखो ना क्या लिखा है, स्पेशल क्लास फॉर द इनसेन मिस्टर काम. मुझे वहां नहीं जाना, यानी अभी मुझे ईस्ट डायरेक्शन में ही जाना चाहिए. यहाँ पर सामने मिस सोफी का रूम है और ईस्ट में और आगे रास्ता जा रहा है, काफी सारे कैबिनेट्स हैं. एक बार अंदर चल के देखते हैं. नॉर्थ डायरेक्शन में मिसेस सोफी के रूम में. भाई क्या टीचर है, ये संटी कौन घुमाता है यार ऐसे? बाकी इनकी क्लास में काफी सारे स्टूडेंट हैं और एक बार इनकी शक्लें देख लो भाई, एक एक करके क्या हरकतें कर रहे हैं. इसको देखो, ये कौन है आगे बैठा हुआ है? दैट्स स्माइली. ओके, ये लड़की है. शी इज द ओनली वन इन द स्कूल हु इज लाइक लर्निंग. लेट्स गो. इसको, यही एक बच्ची है स्कूल में जिसे पढ़ाई करना पसंद है. बाकी यहाँ पर पीछे कौन बैठा है? दैट्स फ्रेड, माई बेस्ट फ्रेंड एंड द मोस्ट बोर्ड क्लास मेंबर. वो दिख ही रहे शक्ल से. और ये कौन है? इसको इतनी सर्दी किस लिए लग रही है? दैट्स जैक, हु इज ऑलवेज वेरी कोल्ड. ही हैज नो प्रॉब्लम फ्रीजिंग द वाटर फाउंटेन.
भाई इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा पानी का फुहारा जमाने में, ठीक है। मुझे कैसे कैसे फालतू से बंदे हैं भाई इस स्कूल में, क्या मैं यहाँ से एस्केप कर सकता हूँ? दैट्स अ ड्राइंग बाय समबडी नेम्ड जॉन ब्रो और लुकिंग आउट देयर रिमाइंड्स आई एम ट्रैप्ड इन हियर। मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इस क्लास से बाहर निकलो, मुझे भी ईस्ट साइड में शायद और आगे जाना चाहिए। वैसे पीछे वाली साइड में इससे जब मैंने बात करी थी ये इधर को कुछ तो आ रहा था डायरेक्शन, रुक जाओ, ये ट्रैश सेंट इन बाय ऑस्कर, इसमें से क्या है? वाओ फेदर डस्टर इनर, ये देखो मुझे इस कूड़े में से एक झाड़ू मिला है, पर पता नहीं इस झाड़ू से क्या होने वाला है। पर हाँ, अगर कोई भी चीज मिल जाए तो हो सकता है वो हमारे स्कूल से एस्केप करने में काम है। नॉर्थ साइड में जेनेटर्स का क्लोजेट है, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? चल के देखते हैं क्या जा रहा है। वेट, ये तो अंदर है। व्हाट आर यू डूइंग? गेट आउट ऑफ माय क्लोजेट। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं डांटियो मत, एक सेकंड, ये झाड़ू कहीं इसको तो नहीं देनी, क्या चाहिए? यू फाउंड माय फेदर डस्टर, कीप द चेंज। भाई वो झाड़ू मैंने उसे दी और उसने उसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं ईस्ट साइड में। हे इट्स मी रिची, रिची द होल गार्ड, गोट अ होल पास? नहीं, मुझे कोई होल पास नहीं मिला। ये हॉल का गार्ड है और उसका जो होल पास होता है वही इसने खो दिया है। तो क्या मैं अगर वो होल पास ढूंढू, कहीं ना कहीं तो वो होगा। अगर हमें मिल गया तो हमें इस हॉल का एक्सेस मिल जाएगा। ओह ये वाला कैबिनेट ओपन हो गया और इसके अंदर होल पास भी है, लेट्स गो। ये भी मुझे जल्दी से उसको ले जाकर देना, ये ले भाई। ओके यस आई डू, सो प्लीज गेट आउट ऑफ माय वे। हमने होल पास को उसका नहीं उसका पास वापस नहीं करा, हमने उसे वो दिखा के उसको यहाँ से भगा दिया है, लेट्स गो। यहाँ पर टीचर्स लॉन्ज लिखा हुआ है शायद पीछे, बट इधर कोई मोटा सा बच्चा सो रहा है। गिव मी अ कुकी, तेरे को कुकी चाहिए? मैं अब कुकी कहाँ से ढूंढूँ, किसके कैबिनेट में है? कुछ पैसों से जुगाड़, सच्ची में इसने पैसों से काम चला लिया। टेक द डॉलर फैटी, मोटे को पैसा दे के हमने साइड कर दिया है। अभी मुझे टीचर्स के लॉन्ज में जाना चाहिए या फिर मैं और आगे जाऊँ, आगे चलूँ क्या? भाई ये एक सेकेंड, पहले ना एक बारी यहाँ पर क्या है ये? टीचर लॉन्ज में ही शायद मुझे जाना होगा। वट आर यू डूइंग हेयर? यहाँ पर कोई टीचर है जो कि हमसे कुछ सवाल कर रहे हैं। मैं इधर चार ऑप्शन है अपने पास जो हम इसे बता सकते हैं। आई नीड टॉक टू द प्रिंसिपल, नहीं ये मैं अगर बोलूँगा तो शायद वो गुस्सा करे और ज़्यादा कि मैं क्लास से बाहर निकल के सीधा प्रिंसिपल से बात कैसे करने आ गया, या फिर मैं से बोलूँ कि मैं बस खड़े होने आया हूँ, या फिर बोलूँ इससे खुद से क्वेश्चन पूछते हैं कि तू कौन से टीचर है, ये ज़्यादा सही है। हाँ भाई दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, वो कह रही है तुम्हारा काम नहीं है, और फिर गेट आउट। नहीं नहीं भगा दिया यार, एक मिनट रुक जाओ, ये नहीं पूछना मुझे। हाँ ये बोलते कि मुझे टीचर ने भेजा है प्रिंसिपल से बात करने के लिए, ये काम करेगा। यू डोंट वॉन्ट योर टीचर ऑन द फोन डू यू? यार भगा दिया यार, एक सेकंड रुक जाओ भाई, बात करने दे। दोबारा से चार ऑप्शन पे ही चलते हैं। मैं इसे क्या बोलूँ, मेरे को जोक सुनाना है, एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पे। आई वॉन्ट टू टेल हिम अ जोक, प्रिंसिपल को मुझे जोक सुनाना है। ओह जोक्स आर ऑलवेज फन, गो राइट ऑन इन। वाह अभी कह रही जाओ प्रिंसिपल के पास, उन्हें जोक सुना दो तुम, मैं जा रहा हूँ फिर। मैं सही में अंदर आ गया, कितनी फालतू की चीजें हो रही इसमें। ओके तो अभी मैं प्रिंसिपल के पास आ चुका हूँ एंड प्रिंसिपल सो रहा था। और ओ भाई हमें वहां से चाबी मिल चुकी है। हाउ नाइस ऑफ यू टू ड्रॉप बाय देन। ठीक है अभी मैं वहां से बाहर आ चुका हूँ, मुझे चाबी मिल गई है, तो क्या मैं अभी यहाँ से एस्केप? पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, मैं शायद मैं यहाँ से एस्केप कर गया। कितना अजीब एंड था इस गेम का। आई होप गाइस कि आपको ये गेम और ये गेम प्ले वीडियो बहुत अजीब और बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाके लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि क्या मुझे इस गेम पर और एपिसोड्स निकालने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इसके पूरे 6 एपिसोड्स है, पूरी गेम प्ले सीरीज है, बहुत मजा आने वाला है। जाओ कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।